दोस्तों इस तरह की वीडियो आपने बहुत सारी स्टेटस पर देखी होगी, लेकिन इनको बनाते किस तरीके से वह तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी एक एप्लीकेशन की, जिसका नाम है VN। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक प्लस वाला आइकन देखने को मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ जाता है न्यू प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से इस तरीके से आपके मोबाइल की जो लाइब्रेरी है वो ओपन हो जाती है। यहाँ पर एक फ़ोटो वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से अपनी कोई डीपी ले लेंगे, अपने दोस्त की भी ले सकते हैं, अपनी भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे एरो का एक निशान दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आखिर में आपको एक ब्लैक वाटर मार्क देखने को मिलता है। इसको आप यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस तरीके से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आपने जो फ़ोटो ऐड की है उस पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से, और इसकी लेंथ को आप जितनी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप रख सकते हैं। हमने यहाँ पर इतनी रखी है आपको दिखाने के लिए, आप अपने हिसाब से जितनी भी रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। उसके बाद ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा एक ओरिजिनल वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से एक साइज़ मिल जाता है आपको यूट्यूब का, इस पर आप क्लिक करते हैं। उसके बाद दोनों फिंगर की मदद से देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको छोटा करके यहाँ पर इस तरीके से आप सेट कर देते हैं। हमने ये यहाँ पर रख ली है इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये वाला देख सकते हैं, आपने जो फ़ोटो ऐड की है जस्ट उसके ऊपर आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है फ़ोटो वीडियो का एक ऑप्शन, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको फिर से फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपको इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको ये फ़ोटो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। कुछ इस तरीके से हम इसको यहाँ पर सेट करेंगे। अब नीचे देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ़िट का, यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ़िट वाला, ये इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट हो जाता है। उसके बाद आप इसकी भी लेंथ को इतना बढ़ा लेंगे जितने के आपकी इमेज है, जितने की बड़ी आपको स्टेटस बनाना है। तो यहाँ पर हमने ये भी सेट कर दिया है। उसके बाद आपको दोबारा से फिर इसी पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद यहाँ से देख सकते हैं आपको फिर से फ़ोटो एंड वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फ़ोटो पर आप क्लिक करेंगे, इसमें एक शोडो लेंगे, इस शोडो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो भी मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं मैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा, वहाँ से बहुत आसानी के साथ आप इनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से सेट कर दिया है, और इसकी लेंथ को भी हम इतना ही बढ़ा देंगे जितना कि हमारी इमेज है। यहाँ पर आपको याद रखना है आपको लेंथ इतनी ही रखनी है जितने की आपकी इमेज है। उसके बाद आपको फिर से इसी वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद आपको फिर जाना है फ़ोटो वीडियो के ऑप्शन पर। जाने के बाद यहाँ से अब देख सकते हैं आपको एक ये वाला मिल जाएगा, ये वाली वीडियो मिलेगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसका भी हम इसको यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर ये देख सकते हैं आ चुकी है। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, ब्लेंडिंग यहाँ पर ये वाला, इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये वाला। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये स्क्रीन हो जाएगी, इसको छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से अब कर सकते हैं। सही के निशान पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसी लेयर पर हम क्लिक करके इसको छोटा बड़ा हम अपने हिसाब से रख के इस तरीके से सेट कर देंगे, जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं। हमने ये यहाँ पर रख लिया है। उसके बाद आपको इसकी भी लेंथ को बढ़ा देना है, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली लगी हुई है। उसके बाद हमें फिर से इसी वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद अब हम इसमें एक लिरिक लेंगे इस तरीके से, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से हमारे पास में है ये वाली, इस तरीके से ये हमने ले ली है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से दिखना शुरू हो जाए। इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे, इसको छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर लेंगे। हम इसको यहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर आपको फिर से क्लिक कर देना होगा, इसको भी आप स्क्रीन ही करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको भी स्क्रीन कर दिया है। उसके बाद आपको फिर से सही के निशान पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद अब आप इसको प्ले करके देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये आपकी बन के तैयार हुई है, लेकिन अभी इसमें और भी इफ़ेक्ट डालने बाकी है। यहाँ पर हमें फिर से क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद हम फिर से जाएंगे फ़ोटो वीडियो वाले ऑप्शन पर, उसके बाद फ़ोटो पर, उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ से आपको देने वाले हैं एक वीडियो कुछ इस तरीके से। हम ये वाला ले लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आ चुका है। इसको हम यहाँ पर बड़ा कर लेंगे, हम इसको इतना ही रखेंगे इस हिसाब से। यहाँ पर हम इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं। सेट कर देने के बाद इसका भी ब्लेंडिंग हम स्क्रीन ही करेंगे। तो यहाँ पर ये स्क्रीन हो चुका है। उसके बाद हम इसको आपको प्ले करके दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से ये बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर आपको एक ये वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आप क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको रेजोल्यूशन मिल जाते हैं, इस तरीके से आप कितने में रखना चाहते हैं, 1080 पे या कितने पे आप रखना चाहते हैं। उसके बाद ये जो नीचे राइट का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपके मोबाइल की जो लाइब्रेरी है उसमें जा करके ऐड हो जाती है। दोस्तों बस इतना ही था आज की वीडियो में, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।